हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्स क्लास का साइंस का चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक, कपड़ों के लिए फाइबर। पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम जीता, कोई साइंस क्विज कंपटीशन उनके स्कूल में हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो दोनों बहुत उत्साहित थे, जो इनाम में उन्हें जो राशि मिली थी उनके लिए वो अपने माता पिता के लिए कपड़ा खरीदना चाहते थे। व्हेन दे सॉ ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जब उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े देखे तो वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। जो दुकानदार था उसने उनको बताया कि कुछ कपड़े जो हैं वो सूती कपड़े हैं और कुछ जो हैं वो सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। उसके पास कुछ ऊन के मफलर्स और शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क सारीज एज वेल। और वहाँ पर कुछ सिल्क की बनी हुई साड़ी भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूझो को बहुत ही उत्साहित महसूस हुआ। दे टस्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने जो वो कपड़े थे उनको टच किया और महसूस किया, जो वे कपड़े जो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े थे उनको टच किया। फाइनली दे बोट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन शरी। और लास्ट में उन्होंने एक ऊन का मफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। और वहाँ उस दुकान से कपड़े खरीदने के बाद पहेली और बूझो ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि हमारे आसपास कितने प्रकार के फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट ब्लैंकेट्स कर्टेंस टेबल क्लॉथ्स टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने क्या पता लगाया कि जैसे ये हमारे बेड पे बिछाने की चादरें होती हैं, कंबल होते हैं, पर्दे होते हैं, टेबल पर बिछाने का कवर होता है, तौलिया होता है, और जो ये डस्टिंग करने वाले कपड़े होते हैं, ये भिन्न अलग अलग प्रकार के कपड़ों से, धागों से, अलग अलग तरह के फैब्रिक से ये बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गैनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने ये देखा कि जो उनका स्कूल बैग है, जो गनी बैग है, वे सब भी किसी प्रकार के फैब्रिक से बने हुए हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने जो ये कपड़े थे इनको कैसे पहचाना कि कोई सूती है, कोई ऊनी है, कोई सिल्क का है, कोई सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी कुछ किसी प्रकार के फैब्रिक का पता लगा सकते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स। विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप। अपने आसपास कोई अगर टेलर की शॉप है तो उस पर विजिट कीजिए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट और आफ्टर स्टिचिंग। कपड़ा सिलने के बाद जो कटा हुआ कुछ कपड़ा बच जाता है उनको इकट्ठा कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। प्रत्येक कपड़े को टच कीजिए और महसूस कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन सिल्क वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर की मदद से उन कपड़ों का पता लगाइए कि ये सूती हैं, सिल्क के हैं, ऊन के हैं या सिंथेटिक हैं। डू यू वंडर वट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो कपड़े हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक। जब आप किसी एक कपड़े को देखोगे, इट सीम ए कंटिन्यूस पीस। इसमें आप क्या देखोगे कि लगातार जो
छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे मिलकर कोई बड़ा कपड़ा बनता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, और उसे ध्यान से बिल्कुल नज़दीक लाकर देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपको आपने क्या नोटिस किया? सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन, कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, और किसी भी एक कॉर्नर पर से कोई भी एक धागा, ये थ्रेड का और यार्न का मतलब होता है धागा, कोई भी अगर किसी भी किनारे से अगर कोई धागा लटक रहा है तो उसको खींचने की कोशिश कीजिए। इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर कोई भी ढीला या लटकता हुआ धागा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल, ये किसी सुई या पिन की सहायता से आप कोई एक धागा निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, हम पता चलेगा कि कोई भी जो फैब्रिक है, कपड़ा है, वो कई सारे धागों को आपस में जोड़कर बनाया गया होता है। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, ये जो धागे हैं ये कैसे बनते हैं? फाइबर, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कोई भी एक सूती कपड़ा है उसका एक धागा निकालिए। प्लेस दीज पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उसको फिर किसी मेज के ऊपर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, और उसका जो उसका एक एंड है, एक किनारा है, उसको आप अंगूठे से दबाइए। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एंड शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर 3.4। और जैसा कि आकृति 3.4 में दिखाया गया है, एक एंड को एक अंगूठे से दबा लीजिए और दूसरे को स्क्रैच करिए दूसरे हाथ के नाखून के साथ। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इन टू थिन स्ट्रैंड्स, और देखिए कि क्या वह धागा मतलब टूट जाता है, जैसे बहुत सारे एक धागे के अंदर से भी बहुत सारे किनारे आपको महसूस होंगे, ये बहुत सारे छोटे छोटे धागों में टूट जाएगा। जो वो एक धागा निकाला था वो भी आगे जाके छोटे छोटे और धागों में टूट जाएगा, बिल्कुल पतले पतले। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर वैन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, और आपको ऐसा ही कुछ महसूस होगा जब आपने नीडल के साथ एक धागा निकाला था। मैनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इन टू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, और कई बार ऐसा होगा कि कोई एक धागा है वो छोटे छोटे अनेक धागों में टूट जाएगा। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रो द आई ऑफ द नीडल, और ये इससे क्या हो जाएगा, अगर कोई एक धागे का किनारा है वो अनेक उसमें से अनेक छोटे छोटे धागे अगर निकल गए हैं तो उसको सुई की नोक में से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, और जो छोटे छोटे जो एक धागे के अंदर से छोटे छोटे धागे निकले हैं वो क्या कहलाते हैं, फाइबर्स कहलाते हैं, जो बिल्कुल पतले पतले से होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, जो कोई फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा, जो कोई कपड़ा है वो किसका बना होता है, धागों का, और धागे हैं वो किसके बने होते हैं, फाइबर्स के। फाइबर क्या होते हैं, रेसे, बिल्कुल पतले पतले रेसे। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स हैं वो आते कहाँ से हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन जूट सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, जो ये फाइबर है रेसे हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुछ तो कॉटन से, कुछ जूट से, कुछ सिल्क से और कुछ ऊन से। तो इनमें से कुछ तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम प्राकृतिक फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो कॉटन है और जूट है ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, जो ऊन है, सिल्क है, वो हमें एनिमल से प्राप्त होती है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिक्स ऑफ शीप और गोट, जो ऊन है वो हमें भेड़ और बकरी के बालों से
जो उसकी स्किन पर जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त होती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, यह है हमें रैबिट खरगोश के बालों से, याक एंड कैमल ऊंट और याक के बालों से भी प्राप्त होती है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म, जो सिल्क का फाइबर है वो हमें, जो सिल्क का कीड़ा होता है वो जो कोकून बनाता है उससे प्राप्त होता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, पिछले कई हजार सालों से जो प्राकृतिक फाइबर्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। इन द लास्ट हंड्रेड्स ईयर सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, पर कुछले सौ सालों से जो फाइबर्स हैं वो केमिकलों के द्वारा भी बनाए जाते हैं। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो ना तो हमें पेड़ पौधों से और ना जानवरों से मिलते हैं, वो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और उनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पोलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रैलिक, कुछ जो उदाहरण हैं सिंथेटिक फाइबर के वो हैं पोलिस्टर, नाइलॉन और एक्रैलिक। सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पौधों के फाइबर्स, कॉटन जैसे सूती। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, क्या आपने कभी तेल के दियों के लिए बत्ती बनाई है, मतलब विक्स का मतलब होता है बत्ती जो दिए के अंदर डलती है कॉटन की बनी हुई। व्हाट डू यू सी फॉर मेकिंग दीज विक्स, आपने क्या देखा है इनको बनाते समय। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज, यह जो कॉटन वूल है इसका प्रयोग कई बार मैट्रेस और क्विल्ट्स और पिलो बनाने के लिए भी किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, कुछ थोड़ा सा कॉटन वूल लीजिए। पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज, इसको एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ दूर खींचिए और इसके किनारों को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, जो छोटे छोटे धागे हैं वो कॉटन फाइबर के बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, और यह कॉटन वूल आता कहाँ से है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट्स, यह खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ पर काली मिट्टी होती है जिस स्थान की वहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है, और जहाँ वार्म क्लाइमेट यानी कि जहाँ का मौसम है वो थोड़ा गर्म होता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप अपने देश के कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन का प्लांट होता है जैसे जो कपास का पेड़ बोला जाता है, उसके ऊपर जो बोल फ्रूट जैसी बोल लगती हैं उनके अंदर से कॉटन प्राप्त होता है। आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, वो नींबू के आकार के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और वो थोड़े पकने के बाद वो जो सीड होते हैं वो फट जाते हैं और हम देखते हैं कि कॉटन फाइबर के द्वारा उस बीज को ढक लिया जाता है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, क्या आपने कोई ऐसा कॉटन का जैसे कपास का खेत देखा है जहाँ पर कपास बिल्कुल पक कर तैयार हो गई हो और उसको निकालने का टाइम आ गया हो। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, वह ऐसा लगता है कि जैसे कोई जगह है वो बर्फ ने घेर ली हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और उन बॉल्स के अंदर से कॉटन को हाथों के द्वारा निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा फाइबर को उन जो बीज थे जो सीड से उनसे अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, मतलब
पीना जाता है कपास को और फिर उससे फाइबर बनता है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। पुराने पारंपरिक तरीके में क्या होता था कि हाथ से ही गिनिंग की जाती थी। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और आजकल मशीनों से गिनिंग की जाती है, मतलब कपास की पिनाई बोला जाता है वो की जाती है। जूट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट के पौधे का जो तना होता है उसके ऊपर से जूट फाइबर को उतारा जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में इसकी खेती, इसको कल्टिवेटेड मतलब खेत में बोया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। असम में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में इसकी खेती की जाती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। जब इसके ऊपर फ्लावर लगने लगते हैं उस टाइम पर जूट के पौधे की कटाई की जाती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। और जो उसका तना होता है उसको कई दिन के लिए फिर पानी में डुबो के रखा जाता है। द स्टेम रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। और हाथ से फिर उस स्टेम से फाइबर को, मतलब उस तने से हाथ से खींच खींच कर उसको अलग किया जाता है जूट के फाइबर को। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यार्न। कोई भी कपड़ा बनाने के लिए पहले इन फाइबर्स को यार्न में बदला जाता है, मतलब धागों में बदला जाता है। हाउ इट इज़ डन, और यह है कैसे होता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न यू सेल्फ। आप अपने खुद के हाथों से भी जो कॉटन है, जो कपास है, उससे धागा बना सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। और अपने अपने एक हाथ में थोड़ा कपास का वूल लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर टू अदर हैंड। और दूसरे हाथ से और अंगूठे और अपनी जो ये फोर फिंगर होती है इसके बीच में थोड़ा सा आप कॉटन को लीजिए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और आराम आराम से जेंटल तरीके से कॉटन को बाहर की तरफ खींचिए। व्हील कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। और साथ साथ उसको ट्विस्ट करते रहिए, उसको घुमाते रहिए। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। क्या आप एक धागा बना पा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और जो यार्न होता है उससे जो फाइबर बनता है, सॉरी, फाइबर से जो मतलब उस कपास से जो फिर धागा बनता है उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वुल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। इस तरीके में जो कॉटन मास है उसके अंदर से फाइबर को अलग किया जाता है खींच कर और घुमा घुमा कर। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इससे ऐसे फाइबर्स से धागे धागा बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली। जो एक ये जो टकली है एक ये ऐसा डिवाइस है जिसको स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। दूसरा क्या होता है, चरखा होता है जिसके जिसके जिसे धागा बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी के द्वारा जो चरखा यूज किया जाता था वह एक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बहुत यादगार मोमेंट है। ही एनकरेज पीपल टू वियर ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ मेड ऑफ होमस्पून यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शुन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने भारतीयों को अपने हाथ से बने हुए सूती वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था और जो ब्रिटेन मिल से जो कपड़ा आता था उसका बॉयकॉट करने के लिए लोगों को उत्साहित किया था, प्रोत्साहित किया था। द टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956।
खादी के कपड़े के प्रमोशन के लिए जो हमारी भारतीय सरकार है उन्होंने एक बॉडी बनाई थी, कमेटी बनाई थी कोई, जिसका जिसको कहा गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो स्पिनिंग का प्रोसेस है वो बड़े पैमाने पर स्पिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और स्पिनिंग के बाद धागों को कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। यार्न टू फैब्रिक, देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। बहुत से तरीके हैं जिनसे जिनके द्वारा धागों से कपड़ा बनाया जाता है। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। जो मेन दो प्रोसेस हैं वो वीविंग और नीटिंग है, यानी कि बुनाई और सिलाई है। वीविंग इन एक्टिविटी टू यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। जो एक्टिविटी दो है उसमें आपने देखा होगा कि दो धागों का यूज किया जाता है, आपस में उनको अरेंज किया जाता है कोई कपड़ा बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फाइबर इज कॉल्ड वीविंग। दो धागों का जब यूज किया जाता है कोई फैब्रिक बनाने के लिए तो उस प्रोसेस को वीविंग कहा जाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। आइए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स का यूज करते हैं ये कपड़ा बनाने के लिए। टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वेयर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपको क्या करना है, दो शीट लेनी है, उसमें पेपर को स्क्वेयर पीसीज में कट कर लेना है जिनकी लेंथ और विड्थ होगी 30 सेंटीमीटर। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इन टू हाफ, और उनको आधा फोल्ड कीजिए। उन वन सीट ड्रा लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12। एक के ऊपर आपको ऐसी लाइन खींचनी है जैसे 3.12A में दिया गया है। एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12B कट बोथ द सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। जो लाइन लगाई गई हैं डॉटेड उनके अकॉर्डिंग ही आपको उन लाइन्स को कट करना है और फिर उसको अनफोल्ड कर देना है। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रो द कट्स इन द सीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12C एंड 3.12D। अब आपको क्या करना है, उन स्ट्रिप्स को ऐसे बुनना है जैसे 3.12 और 3.12D में दिया गया है। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स, और सारी स्ट्रिप्स को आपस में वीव करने के बाद आप उस पैटर्न को दिखाइए। इन ए सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न एंड वूवन टू मेक ए फैब्रिक। और इसी तरीके से दो धागों के पैटर्न से बुन कर एक कपड़ा बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो धागे होते हैं वो हमारे पेपर स्ट्रिप्स से कई ज़्यादा पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो लूम्स होते हैं जैसे ये कोई कपड़ा बनाने का ये कोई औजार होता है, इनके ऊपर वीविंग की जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। इनको हाथों से भी और मशीनों से भी बनाया जाता है। नीटिंग, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। आपने कभी किसी को स्वेटर बनाते हुए देखा है, उस प्रोसेस को नीटिंग कहा जाता है। ए सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक धागे से ही पूरा एक कपड़ा बुना जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टोर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कोई जो जुराब होती हैं उनका कोई एक कहीं से एक धागा निकला और उसको खींच के देखा है। वट हैपन्स, ए सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। आपने कभी अगर ऐसा करके देखा होगा तो एक धागे से वो पूरी जो जुराब होती है वो बिल्कुल अनरेवल्ड, मतलब धागा उसका निकलता रहेगा कंटिन्यूसली लगातार, और वो जो बुनने से पहले की पोजीशन में आ जाएगी। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक्स। नीटिंग फैब्रिक से जुराबे और कई प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। ये है हाथ से भी, इस प्रक्रिया को हाथ से भी किया जाता है और मशीनों द्वारा भी किया जाता है।
वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए वीविंग और नीटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लोथ आइटम्स। और भिन्न प्रकार की वेराइटी के कपड़े इन फैब्रिक से बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड वट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ। क्या आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले एंशियंट टाइम मतलब पुराने टाइम में लोग कपड़े बनाने के लिए किस सामान का इस्तेमाल करते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। पुराने ज़माने में लोग पेड़ों की छाल पत्तियां और जो जानवर होते हैं उनकी स्किन का यूज़ करते थे अपने आप को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। और उसके बाद जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया, लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इन टू मैट्स एंड बास्केट। तो उन्होंने जो ट्विग्स मतलब जो टहनियाँ होती हैं उन जो घास की टहनियाँ होती हैं उनसे मैट और बास्केट मतलब टोकरियाँ बनाना सीख लिया। वाइन्स एनिमल्स फ्लीसिस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। कुछ जानवर हैं उनके जो बाल होते हैं लंबे फर होते हैं उनसे उन्होंने लंबे लंबे धागे बनाने शुरू कर दिए। दीज आर वूवन इनटू फैब्रिक्स। और उनसे फिर कोई कपड़ा बुना जाता था। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रिजाइन नियर द रिवर गंगा। पहले ज़माने में भारतीय क्या करते थे, जो गंगा नदी है उसके आसपास कॉटन की कपास की खेती करना शुरू कर दिया। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। एक फ्लैक्स पौधा होता है जिसके द्वारा भी जो प्राकृतिक फाइबर है वो प्राप्त किया जाता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। जो पुरानी इजिप्ट हिस्ट्री है उसके अंदर जो नील नदी है उसके आसपास ये फ्लैक्स की खेती और कपास की खेती की जाती थी। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। वहाँ उस समय पर सिलाई कोई जानता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग क्या करते थे, जो कपड़ा बनता था उसको अपने शरीर के किसी किसी अंग के आसपास लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैपिंग फाइबर वर यूज। और अनेक प्रकार के तरीकों से कपड़ों को ड्रैप किया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, जो ये सुई है इसके आविष्कार के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। लोगों ने जो कपड़े फैब्रिक था उससे कपड़े बनाना सीख लिया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। और इस खोज के बाद जो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े थे उनमें वेरिएशन आने लगा, मतलब अनेक प्रकार के कपड़े लोग बनाने लगे। बट इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी धोती लुंगी और तुरबन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड प्लेस पीस ऑफ फैब्रिक। आज परंतु क्या यह है जानकर आपको हैरानी नहीं होगी कि जो साड़ी होती है, धोती होती है, लुंगी होती है, तुरबन होती है, इनको आज भी बिना सिला ही कपड़े के रूप में यूज किया जाता है। जस्ट एज देर इज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। जिस प्रकार एक भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन हमारे देश के भिन्न मतलब हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन जिस प्रकार खाया जाता है, उसी प्रकार कपड़ों की भी वैरायटी है। भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े लोग अपने कल्चर के अनुसार पहनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।